वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज लाहौर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। इस बारे में भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन अभी आपको बताते चले कि तहरीक इंसाफ भी दीगर सियासी जमातों की तरह मरूसी सियासत पर चल निकली है। मुख्तलिफ हलकों से कामयाब रहनुमाओं के रिश्तेदारों को ज़िमनी इलेक्शन के लिए टिकटों से नवाजा गया है। NA-63 में वफाकी वजीर गुलाम सरवर के बेटे मंसूर हयात खान उम्मीदवार नामजद हो गए हैं, जबकि PP-7 से भी गुलाम सरवर खान के भतीजे अमार सदीक MPA मुंतखब हुए हैं। तो आपको बताएं कि रिवायती सियासत की डगर पर निकल पड़ी है तहरीक इंसाफ भी। तब्दीली का नारा लगाने वाली तहरीक इंसाफ भी दीगर सियासी जमातों की तरह मरूसी सियासत पर चल निकली है। मुख्तलिफ हलकों में कामयाब रहनुमाओं के रिश्तेदारों को ज़िमनी इलेक्शन के लिए टिकट से नवाजा गया है, और NA-63 में वफाकी वजीर गुलाम सरवर के बेटे को भी टिकट दे दिया गया है।